आप क्या करोगे? पर्चे नहीं, आप क्या करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? राजू को ले जाओ। लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चुनाव का मामला अब मारपीट तक जा पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक योगेश वर्मा और बार अध्यक्ष लखीमपुर खीरी अवधेश सिंह के बीच जमकर मारपीट होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट में अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को चाटा जड़ दिया। इसके बाद झड़प में विधायक का कुर्ता भी फट गया, जिसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो चुनाव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का, उसी को लेकर लगातार गहमागहमी बढ़ रही थी और आज मामला मारपीट तक जा पहुंचा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या पूरा मामला है? एक दिन पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सूची लगी थी, वो फाड़ने को लेकर विधायक नाराज हुए थे, एडीएम से भी मिला था एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। आज ऐसा क्या हुआ कि मारपीट में बदल गया ये गहमागहमी? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि आई इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो चुनाव है ये काफी गंभीर होता चला जा रहा है, और कल ही आई इंडिया ने इस चीज पर बताया था कि जिस हिसाब से कल तीखी झड़पें हो रही थी उससे लग रहा था कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेल्योर है, और वो आज सुबह सिद्ध भी हो गया। क्योंकि अगर प्रशासन को ये मालूम था, उनकी खुफिया विभाग थी, उनकी पूरी टीम थी, तो ऐसी नौबत क्यों आई और आमने सामने ये दो गुट क्यों आ गए? पहला प्रश्न तो यही उठता है कि इन दोनों को सामने आना ही नहीं चाहिए था और आने के बाद ये होना ही निश्चित था। अब आपको इसकी पृष्ठभूमि हम बता दें कि आज सुबह का जो माजरा हुआ, उस माजरे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर काफी दिनों से यहाँ पर तीखी झड़पें हो रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग दो तीन दिनों से जब इसकी डेट नजदीक आ गई, अंतिम मतदाता सूची जो दिखानी थी, दर्शानी, प्रदर्शित करनी थी, उसी समय परसों से ये बातें, अटकलें लगाई जाने लगी कि ये कहीं ना कहीं गोलमाल और धांधली चल रही है, और उसका कल परिणाम देखने को मिला जो आई इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाया कि पूरे दिन ये नाटक और घटनाक्रम चलता रहा, वार्तालाप चलता रहा, एक दूसरे की झड़पें होती रही, तीखी वार्तालाप होता रहा, और उसके बाद शाम को जब मीटिंग एडीएम के संजय सिंह के यहाँ हुई, उसके बाद जरूर लगा कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी हो रही है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे जिसमें जिला अध्यक्ष सुनील सिंह बोल रहे थे कि कल मैं बताऊंगा कि परिणाम क्या, यही उनको कल बताना था जो आज हो गया, कि आदमी को गुटबाजी, जो योगेश वर्मा सदर विधायक है वो और सुनील सिंह का गुट लगता अलग हो गया है। कल नाम लेने से हर व्यक्ति परहेज कर रहा था प्रियांशु जी, लेकिन आज ये पूरी गुटबाजी और पूरा आपसी झगड़ा सामने आ गया, और हर व्यक्ति अब जान गया कि ये झगड़ा किन दो पार्टियों में है। लेकिन दोनों, दुखद बात यह कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह जो अर्बन कोऑपरेटिव थी वो कहीं ना कहीं दावेदार हैं इस बार फिर पद की, और अवधेश सिंह जिन्होंने चाटा मारा विधायक को सुबह सुबह, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पुष्पा सिंह के पति हैं। इन सब चीजों को जानते हुए प्रशासन की ये लापरवाही कि भारी पुलिस फोर्स उसको वहां लगानी चाहिए थी, और आमने सामने तो इन दोनों को होने ही नहीं देना था, दोनों गर्म दल के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुनील सिंह जो जिला अध्यक्ष है वो साइलेंट हैं, और कहीं ना कहीं अगर पूरी बात देखी जाए प्रियांशु, तो गुटबाजी बढ़ावा पार्टी के लोग ही दे रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप जाए तो जो अभी चेयरमैन डॉक्टर एरा श्रीवास्तव का जो चुनाव हुआ था, आज सुबह जब योगेश वर्मा थे तो उनके साथ कपिल, उनके सुपुत्र जी भी साथ में थे योगेश वर्मा के, वो अब सपोर्ट कर रहे थे योगेश वर्मा का। ये एक लॉबी अलग थी, राजू अग्रवाल और ये सब पूरा ग्रुप अलग एक लॉबी है, दूसरी सुनील सिंह, और एक लॉबी अलग नजर आने लगी आज सुबह से है, ये भी खड़े थे वहां पर। वो कहीं ना कहीं खुंदक जी अब इस चुनाव में देखने को मिली है, क्योंकि जब पुष्पा सिंह चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन ही सदर का, उस वक्त योगेश वर्मा खुल के विरोध उनका कर रहे थे, कई बार भारतीय जनता पार्टी ने मामला पैचअप कराने की कोशिश की, लेकिन वो मामला पैचअप नहीं हुआ,
और अंत में ईरा श्रीवास्तव जीत गई अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी का उस कारण से। लेकिन वो रणनीति आज कहीं ना कहीं उबाल सामने निकल के जनता के सामने आएगा। और ये बड़ा दुखद बात है कि शहर के अंदर बीचों बीच में इस तरीके की जो वारदात हुई है कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती है, क्योंकि बहुत ही दुखद बात है, दोनों बड़े संभ्रांत लोग हैं, दोनों को चुना गया है और दोनों कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि हैं, और उन प्रतिनिधियों में इतना बड़ा बवाल हो जाए, खुलेआम चाटा मार दिया जाए विधायक के, उसके बाद विधायक को पीटा जाए वहां पर, ये सब बहुत ही दुखद बात है। पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी है, क्यों नहीं पुलिस को पहले ही इतना ज्यादा लगा दिया गया था कि ये हो, अब कहीं ना कहीं इसके पीछे बातें खुल के आएंगी। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, और जिस हिसाब से कल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने बयानबाजी की थी, योगेश वर्मा उनके बगल में खड़े थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि ये गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी हो गई। चुनाव तो जो भी है वो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है प्रियांशु जी, ये बहुत दुखदायी है। उसमें कहा जाए तो प्रशासनिक फेलियर बहुत बड़ा है। जब मालूम था दो ताकतवर नेता आमने सामने हैं, खुफिया रिपोर्ट थी, मीडिया को पता था इस चीज की, ये दो नेता हैं, भले नाम ना लिया जा रहा हो लेकिन पता था ये दो लोगों में गुटबाजी चल रही है, तो क्यों नहीं सुबह भारी फोर्स वहां लगाई गई, और जो फोर्स थी वो पर्याप्त नहीं थी। इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह वहां मौजूद थे जिन्होंने अवधेश सिंह को पकड़ा और डाटा, कई और पुलिसकर्मी थे जिन्होंने विधायक को पकड़ा, लेकिन जो दोनों के समर्थक एक दूसरे को पीटने लगे, और सबसे ज्यादा बात ये थी विधायक का कुर्ता फट गया, विधायक को लोगों ने मारा वकीलों ने दी, ये बात कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही दुखदायी है, और ये निश्चित तौर पर प्रशासनिक प्रियांशु जी फेलियोर है। जी जी सर, एक जानकारी और चाहेंगे, अब क्या हालात है, क्योंकि आज सर डेलीगेट के पर्चे मिलने थे चुनाव के, और वहां जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, अब क्या हालात है? देखिए अफरा तफरी का माहौल है बहुत ज्यादा यहाँ पे, और हालात ये हैं कि पुलिस फोर्स अब वहाँ डिप्लाई की जा रही, पीएसी वहाँ पहुंच रही है, फिलहाल दोनों लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मीडिया अब इस वक्त सक्रिय हो गई, सबसे पहले आईएनडीआई इस चीजें दिखा रहा आपको है, और अब मीडिया में पूरा मामला आने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है इस चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है जैसा नजर आ रहा है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को देखते हुए अभी लखीमपुर शहर में अफरा तफरी का माहौल है, दोनों गुट अपने में काफी सक्षम है, और अब देखना यह होगा कि आने वाली रणनीति कुछ घंटों के बाद क्या होती है, ये तो पता अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस फोर्स भारी डिप्लॉय कर दी गई, अब बड़े अधिकारी भी इसमें इंटरफेरेंस करने के लिए आ रहे हैं, और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास जाएगा, और ये बड़ी शर्मनाक घटना है, ये भी शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी। और अभी बता दें आज सुबह सुबह अमन गिरी जो कल बैठे थे एडीएम के पास, संजय सिंह के पास, इसी प्रतिनिधिमंडल में थे योगेश वर्मा और सभी लोग थे, वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने हैं वहां पर, वो गोला के कॉरिडोर को लेकर कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात भी की हो, जिसके विजुअल सुबह सुबह आ गए हैं, आज सुबह लगभग उनकी 10 बजे योगी आदित्यनाथ जिससे बात हुई है अमन गिरी की, कहीं ना कहीं ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही हैं, और जनता में ये मैसेज जा रहा है कि दोनों गुट भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की धांधली हो रही है तो कैसा सुशासन और कैसा प्रशासन, ये प्रशासनिक फेलियर है, और प्रशासन पर हो सकता है इस पर कार्रवाई भी की जाए। जी प्रियांशु जी बिल्कुल, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन पद के चुनाव का मामला है अब मारपीट में तब्दील हो गया है, और आज जो ताजा अपडेट है उसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रही हैं पुष्पा सिंह, उनके पति जो इस वक्त बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष हैं, और उनके और योगेश वर्मा के बीच जमकर मारपीट हो गई। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें बार अध्यक्ष अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को कैसे चाटा मारा, और उसके बाद आपस में कैसे उनके बीच झड़प होती है। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह से जो बार अध्यक्ष हैं लखीमपुर खीरी के अवधेश सिंह, उन्होंने पहले विधायक को चाटा मारा, आपस में पहले बहस हुई, इसके बाद जब पुलिस आ गई तो वकीलों ने विधायक को
विधायक की पिटाई की, जिसमें विधायक का कुर्ता भी फट गया और उन्होंने पहले से ही ये आरोप लगाया था सदर विधायक योगेश वर्मा ने कि चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, जिसको लेकर एडीएम से संजय सिंह से भी मुलाकात की थी एक दिन पहले 8 अक्टूबर को। लेकिन अब ये मामला तोल पकड़ता जा रहा है, काफी गहमा गहमी है। बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बाहर भारी पुलिस बल और पीएससी बल भी तैनात की जा रही है। फिलहाल 2 गुटों में बट गया है अब ये मामला। अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में। फिलहाल लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और इंडिया की नजरें भी बराबर बनी हुई है। आगे क्या कुछ होता है इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए, पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो हजारा पर्चे, जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए, अब आप प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा ये आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे।